सब्सक्राइब कीजिए ऑल नॉलेज विद वर्मा जी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम वर्मा। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ऑल नॉलेज विद वर्मा जी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो भी मैं आपके लिए एक गेम के ऊपर ही लेके आया हूं, जो कि पहले हमने वीडियो बनाई थी हैंड क्रिकेट ऑनलाइन के ऊपर, अब हम बना रहे हैं हैंड क्रिकेट ऑफलाइन के ऊपर। तो दोस्तों, मुझे तो ऑफलाइन वाला जो गेम है वो बहुत ही अच्छा लगा, ऑनलाइन से मुझे बहुत अच्छा लगा ये गेम, क्योंकि ऑफलाइन में आपको पूरी टीम मिलती है और वो भी आप जो भी टीम स्टार्ट करेंगे उसके खिलाड़ी भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये गेम खेल के दिखाऊंगा और आपको कैसे इसको खेलना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको ईजिली सर्च कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पर भी बोलेंगे हैंड क्रिकेट ऑफलाइन तो आपको मिल जाएगा ईजिली। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं हम आज की वीडियो को, और मैं आपको बताता हूं कि ये गेम आपको कैसे खेलना है। सो आप इसको जैसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, आपको इसमें कुछ भी साइन इन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सीधे आपको प्ले बटन मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे गेम लगा, क्योंकि इसमें हम पूरी टीम बना करके जो है किसी के साथ भी खेल सकते हैं, जितनी भी लगभग विश्व की टीमें खेलती हैं मैच वो सारी इसमें टीमें दी हुई हैं, जो भी 14-15 टीमें खेलती हैं उन सभी के नाम दिए हुए हैं। आप इसमें से कोई भी टीम अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप किसके खिलाफ खेलना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस सेम वही है जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट मैच में था, आप सिक्स मारेंगे, अगर अगले इंसान ने सिक्स बोल दिया तो आप आउट हो जाएंगे, और अगर आपने फोर मारा और उसने फाइव बोला तो आपके फोर रन हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है, बस इसमें यह है कि ऑफलाइन चलता है और इसमें मज़ा काफ़ी आता है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, चलिए हम अपने गेम को ओपन करते हैं। हैंड क्रिकेट मैंने क्लिक किया, इस पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा प्ले बटन, इंस्ट्रक्शंस, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। सेटिंग में आपको कुछ बेसिक सेटिंग मिल जाती हैं, चलिए देख लेते हैं। एड योर टीम, एड न्यू प्लेयर, ठीक है, यहाँ से आपने एड न्यू टीम और अपने प्लेयर आप चाहते हैं कि दूसरे प्लेयर आप चूज़ करें जो 11 आते हैं उनके अतिरिक्त, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साउंड यहाँ पर टिक स्विच है, साउंड को आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि साउंड आप चाहते हैं कि आए सिक्स लगे या सॉरी सिक्स पे तो साउंड नहीं आता, लेकिन आउट होने पर सिर्फ साउंड आता है, तो आउट होने पे आपको साउंड यहाँ पे मिलेगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि मैं आपको गेम खेल के भी दिखाऊंगा। चलिए हम आगे, आपको ये कुछ बटन्स मिलते हैं जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्ले बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है हैंड क्रिकेट चूज योर टीम, तो आप अपनी कौन सी टीम रखना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू में कंट्री रहता है, इस पर आप डबल टैप करेंगे, यहाँ पे आपको पहले मिल जाएगी अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है, बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, इंडिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, और ये वेस्ट इंडीज भी है, और जिम्बाब्वे। ठीक है, तो यहाँ से आप 15 टीम में से अपनी कोई भी एक टीम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे इंडिया ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी यानी कि मेरी जो टीम है वो इंडिया है, और उसके बाद चूज योर करंट टीम यानी कि आप किसके खिलाफ खेलना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू कंट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी किसके साथ खेलूं, चलिए मैं खेल लेता हूँ
बांग्लादेश के साथ। तो ड्रॉ डाउन मेन्यू में हमारा बांग्लादेश हो गया। ओवर्स, अब आपको ओवर सेलेक्ट करने के, आपको कितने ओवर का खेलना है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसीलिए चलिए मैं आपको हारूं या जीतूं आपको मैं 3 ओवर का खेल के दिखा देता हूं। 2 के बाद सीधे 5 का ऑप्शन है। चलिए 5 ओवर का खेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑटो बॉल नॉट टिक्ट है, इसको नॉट टिक्ट रहने दीजिएगा, क्योंकि आप जब बॉलिंग आप बैटिंग कर लेंगे तो आपकी तरफ से बॉलिंग जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो इसमें दोस्तों इंटरेस्ट नहीं आता है। आप स्वयं बॉलिंग करें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। नॉट टिक्ट यस है, टिक्ट नो है, नॉट टिक्ट पे ही नो पे ही रहने देना, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं हम, स्कोर सिलेक्शन ये आपको डिफॉल्ट पे ही रखना है, ठीक है। कस्टम पे आपको नहीं रखना है, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट पे ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टॉस, चलिए देखते हैं, टॉस कर लेते हैं, सिक्के की आवाज़ भी आपको आएगी देखिए। और यहाँ पे कॉइन फिलअप हो गया, अब देखते हैं टॉस कौन जीता है। और बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है, ठीक है, यानी कि मुझे बैटिंग दी है बांग्लादेश ने, ठीक है। प्ले बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा शोर होता है, तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। शेयर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके खिलाड़ी के नाम कौन कौन से हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं, देख लीजिए। बैटिंग समरी, प्लेयर नेम रोहित शर्मा है पहले नंबर पे, शिखर धवन है, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी आएंगे, युवराज सिंह आएंगे, सुरेश रैना, केदार यादव, रविंद्र जडेजा, और उसके बाद रविचंद्र अश्विन, उमेश यादव और मोहम्मद शमी। तो ये 11 प्लेयर आपकी टीम में हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी मेरा 0 ओवर हुआ है यानी कि मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, 5 ओवर का मात्र मैच है। रोहित शर्मा स्ट्राइक पे हैं और ये मोहम्मदुल्ला शायद इनका नाम है, ये जो है बॉलिंग करने के लिए आए हैं, ठीक है, रोहित शर्मा के लिए। तो इंडिया विकेट 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आपकी गिनतियाँ स्टार्ट होती हैं, आप जो भी रन लेंगे वो यहाँ पे दिखाएगा। अभी देखिए रोहित शर्मा 0 पे हैं और शिखर धवन भी 0 पे हैं, यानी कि ओपनिंग जोड़ी हमारी 0 पे है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं, 6 से भले आउट हो जाए। पहला छक्का और लगाते हैं, 4 रन लेते हैं, फिर से तो दोस्तों देखिए मैंने एक ओवर यहाँ पे एक ओवर कंप्लीट हो गया, यानी कि 6 बॉल में मैंने 3 छक्के लगाए और 3 चौके लगाए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ओवर हमारा कंप्लीट हुआ, टोटल स्कोर 30, विकेट कोई नहीं, रन रेट भी हमारा 30.0 का चल रहा है। चलिए प्ले कर देते हैं, अब देखिए रोहित शर्मा 30 पे हैं और शिखर धवन को भी स्ट्राइक नहीं मिली, अब मिली है तो ये खेलेंगे। चलिए तो फिर से इनसे भी 6 से स्टार्ट करते हैं, भले आउट होते हैं लेकिन स्टार्टिंग तो इंडिया के 6 से ही होनी चाहिए। फिर से 6, चलिए मैं आउट होके भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आउट कर नहीं पा रहे हैं ये। ओवर कंप्लीट हो गया, 2 ओवर में मैंने बना दिए हैं 62 रन, 31 का रन रेट है। देखिए रोहित शर्मा 41 पे हैं और शिखर धवन 21 पे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे खेलते हैं, आप थोड़ा नीचे से खेलते हैं, 4 सिंगल लेता हूँ, दोस्तों मैं समरी ओवर कंप्लीट, 3 ओवर कंप्लीट हो गए, टोटल स्कोर 81 हुआ है, ठीक है। मैं स्लो खेला इस बार, 27.0 का रन रेट आ गया हमारा। चलिए दोबारा प्ले करते हैं, नेक्स्ट ओवर अब 6 से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए
यहाँ पे रोहित शर्मा आउट हुए, शायद रोहित शर्मा आउट हुए, देख लेते हैं। हाँ रोहित शर्मा आउट होगा, तवेलियन चले गए और विराट कोहली शून्य पे हैं। चलिए आइए छः मारते हैं। एक सौ सात रन बना है मेरा, 26 का रन रेट है। चलिए आगे खेलते हैं। ये भी आउट हो गए। अब महेंद्र सिंह धोनी आए तीसरे नंबर पे, विराट कोहली 16 नहीं के दिखा था, मन आउट हो गए। देखिए हमारी जो इनिंग्स है ये एंड हो गई, यानी कि हमने खेल लिया, ठीक है। मैंने 5 ओवर पूरे खेल लिए और अब देखते हैं ओवर कंप्लीटेड टोटल स्कोर 132, यानी कि मेरा 132 रन बना है, 26 का रन वेट। इसको 133 रन चाहिए हैं विन करने के लिए, ठीक है। तो हम चलिए प्ले कर लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं, ये समी सोखा हैं जो कि बैटिंग करने आए हैं और रविचंद्र अश्विन जो है आए हैं वो बॉलिंग करने आए हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे बॉलिंग करनी है तो किससे स्टार्ट करेंगे ये लोग। चलिए 4 से बोलता हूँ, 4, लेकिन इन्होंने 5 रन लिए हैं। आउट हो गए, इनका एक विकेट गिर गया। अब ये दूसरे प्लेयर के खेलने आए हैं। ओवर कंप्लीट, इनका 26 रन हुआ है टोटल। अब देखिए इनको 107 रन चाहिए 26 बॉलों में, ठीक है, सॉरी 24 बॉलों में, माफी चाहूंगा। तो चलिए प्ले कर लेते हैं। त्रेपन रन हो गया, 18 बॉलों में 80 रन चाहिए अभी इनको। चलिए प्ले कर लेता हूँ। आउट हो गए, दूसरे लोग आए खेलने के लिए, ये भी आउट हो गए। चलिए दूसरे प्लेयर आए हैं अब, ये भी शून्य पे आउट हुए। ये भी आउट हो गए, ओवर कंप्लीट, 64 रन हुआ है, 21.0 का रन रेट आ गया अब इनका। 12 बॉल में 69 रन चाहिए। चलिए मेहनत करता हूँ, शायद जीत जाऊँ। ये भी आउट हो गए, ओवर कंप्लीट, 78 रन हुआ है। अब तो दोस्तों देखिए ये असंभव हो गया है इनका जीतना, क्योंकि 55 रन चाहिए, इनको 6 बॉले हैं मात्र इनके पास, ठीक है। तो चलिए खिला देते हैं, फिलहाल इच्छा पूरी करते हैं। ये भी आउट, मैं मैच जीत चुका हूँ देखिए। तो चलिए इस प्रकार से मैंने मैच जीता। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। मैंने 35 रन से इस मैच को जीत लिया है, इंडिया ने बनाया 132 और ये 97 रन बना पाए मात्र। स्कोर कार्ड अब देखिए, यहाँ पे स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं इंडिया का। चलिए मैं इंडिया का पहले स्कोर कार्ड देख लेता हूँ, किसने कितने बनाए, ठीक है। बैटिंग समरी,
ये रोहित शर्मा ने 69 रन बनाए हैं, ठीक है। और शिखर धवन ने बनाए हैं 22 रन, विराट कोहली ने बनाए 36, महेंद्र सिंह धोनी ने बनाए 5, युवराज सिंह ने बनाए 5, सुरेश रैना ने बनाए 6, केदार यादव ने बनाए 7, रविंद्र जडेजा ने बनाए हैं 8, इन्होंने 9 बनाए हैं, उमेश यादव ने 10 और मोहम्मद शमी ने बनाए हैं 11। टोटल रन 132। बॉलिंग समरी, इन्होंने 30 रन दिए हैं, इन्होंने दिया 58 रन, इन्होंने 44 रन दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इंडिया की बैटिंग थी। अब बांग्लादेश की देख लेते हैं। इन्होंने 22 बनाए, इन्होंने 4 बनाए, इन्होंने 27 बनाए, इन्होंने 6 बनाए हैं, इन्होंने ये 0 पे आउट हुए, ये 13 पे, ये 3 पे, ये 13 पे, इन्होंने 9, इन्होंने 10, इन्होंने 11। टोटल रन 97। बॉलिंग समरी, इन्होंने 19 रन दिए हैं, जडेजा ने, अश्विन ने दिए हैं 37 रन, 27 रन दिए हैं, इन्होंने 14 रन दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहां से बैटिंग सरमी देख सकते हैं। और उसके बाद एग्जिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप दोबारा प्ले बटन आपका आ जाएगा, यानी कि आप मैच जीत चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये गेम खेला जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये गेम पसंद आया होगा। गेम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनका टाइम ना पास हो रहा है इस लॉकडाउन में, वो अच्छे से इस गेम को खेल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली टेक्नोलॉजी की किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।